एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज, और रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। अब टॉपिक ये स्टार्ट होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों आए। तो बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट तरीके से चलाना, मोर फाइनेंशियल तरीके से स्ट्रॉन्ग करना, कुछ इस तरीके से इकोनॉमी चले कि उसे बेनिफिट ही बेनिफिट हो। ऐसे रिफॉर्म जब लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि वहां से पैसा आना है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लगाए गए? 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने का रीजन क्या है पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे चैप्टर को करेंगे। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी थी, बहुत ही बैकवर्ड थी। 1947 में जब हम देश आजाद हुआ तो हम एक कह सकते हैं कि मतलब एक कॉलोनियल टाइम पीरियड जो 200 साल का था हमारा, उससे हम बाहर निकले थे। हमारे पास में कैपिटल भी नहीं थी, हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ऑल ओवर हमें कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी, चाहे फिर वो पर कैपिटा इनकम के भी हाँ पे हो या फिर किसी और कंडीशन के तरीके से हो। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि उस कंडीशंस को, मतलब जो जैसी हमारी खराब कंडीशन थी उसको हमने 5-year प्लान के थ्रू किस तरीके से ठीक किया। और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को कैसे एनहांस किया। और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में 1950 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड था वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर था। मतलब जो भी काम होता था इंडस्ट्रीज के अंदर, ओनरशिप की बात की जाए तो प्राइमरी रोल जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट प्ले कर रही थी, सेकेंडरी रोल जो है वो जो मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो प्ले कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि 1990 से लेकर, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। अब गवर्नमेंट की जब मोनोपोली हो गई थी तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही स्टेग्नेंट हो गई थी, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन खत्म हो गया था, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कम थी। अब इन सभी चीजों को दूर करने के लिए कुछ ऐसी दवाई की जरूरत थी जो कि इकोनॉमी को क्या कर सके, धक्का लगा सके आगे की तरफ। तो एक स्टेज ऐसी आई 1990 तक हमारे पास में पैसा नहीं बचा था। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, मतलब मैं एक जनरल आम इंसान की बात कर रही हूँ, तो वापस रिलेटिव्स के पास जाता है या फिर किसी छोटे मोटे बैंक के पास जाता है, कॉमर्शियल बैंक जैसे कि SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस तरीके के पास। अगर उनके पास ही बैंकों के पास ही पैसा नहीं मिलता है तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो अप्रोच करते हैं RBI को, और अगर RBI के पास ही पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी ना किसी दूसरी कंट्री से लोन लेगी। और अगर दूसरी कंट्री के, मतलब एक तरीके से हम कुल मिलाकर हमारे सारे रास्ते बंद हो गए थे 1990 तक आते आते, हमारे पास पैसा नहीं बचा था। तो हम जाते हैं किसके पास, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उसके मेंबर्स को लोन देने का काम करते हैं। हम वहां जाते हैं और हम वहां पे $7 बिलियन का जो है लोन उनसे मांगते हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं और हम उसे $7 बिलियन का लोन मांगते हैं तो वो हमें कहते हैं कि किस बिहाफ पे आपको लोन दे दे, आपके इकोनॉमी में तो पैसा ही नहीं है, आप उसे रिटर्न कैसे करोगे। तो उस टाइम पे हमारे जो एक तरीके से कह सको फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी ने उनकी बातों को सुना। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि तो आप हमें ये बताइए कि कौन सी कंडीशंस रहेंगी जिसपे आप हमें लोन दे सकते हैं। तो उस टाइम IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें 3 कंडीशंस बताई। पहली कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत कम कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर का रोल आ जाना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि जो ऑनरशिप हमेशा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करता था प्राइमरी, वो कम करके आप प्राइवेट के हाथों में दे दो, मतलब लाइसेंस वगैरह हटा दो, आप फ्री कर दो जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दो इस तरीके से। नंबर 2 उन्होंने बोला कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दो, जो आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी जो पॉलिसीज लगा रखी है वो मत लगाइए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, मतलब यहां अगर आप कोटा हटा देते हैं, यहाँ आप अगर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, और यहाँ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर कभी भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं
तो शायद हम आपको लोन दे दें। तो मनमोहन सिंह जी ने उनकी बात को सुना और समझा और उसके बाद में उन्होंने उसके लिए हाँ कर दी। और उसी टाइम पे हमारे सामने आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसे हम बोल सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की पॉलिसी लगाने के बाद में कुछ ही दिनों में हमने उस लोन को भी उसको चुका दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ की। अब वो ग्रोथ की उन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। इसके तीन बेसिक एलिमेंट है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तीन चीजों को ध्यान में रखा गया था। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल कर देना, छूट दे देना, मतलब किसी को बांध के ना रखना। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप किसी छोटे बच्चे को ये कहते हो कि बेटा आपने उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ आपको खतरा है, वो बच्चा कंफर्म उस तरफ जाएगा और देखेगा उस खतरे का शिकार हो जाएगा। अगर आपने उसको खेलने के लिए कुछ भी नहीं कहा, वो आराम से अपने फैल फैल के खेल रहा है, तो शायद उसे थोड़ी अजीब चीज लगेगी, तो वो उस साइड नहीं जाएगा। सेम बात हमारे साथ और बड़ों के साथ भी होती है। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बांध दिया गया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% तक रहेंगी, इससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, एफडीआई नहीं हो सकती, एफआईआई नहीं हो सकती। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है, ये एफडीआई और एफआईआई। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत ही कम थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन के अंदर जो 40% था उसको अप टू 100% तक वो लिबरल कर दिया गया। कोटा मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाई गई। कहने का मतलब है जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हमने इन कुछ की पॉइंट्स के ऊपर काम किया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ सुधार किए, इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया गया था, फाइनेंशियल सेक्टर में भी सुधार हुए, जैसे कि आरबीआई ने अपनी कई तरीके की नॉर्म्स बना दी थी, पार्शियल कंट्रोल वगैरह जितने भी चीजें थी वो सारी। टैक्स रिफॉर्म्स हुए जिसमें जीएसटी वगैरह का डिमोनेटाइजेशन जैसे कंडीशंस लगी, फॉरेन एक्सचेंज जो रिफॉर्म्स थे वो भी इसके अंदर हुए, और साथ में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री छोड़ देना, मतलब लाइसेंस को हटा देना, कोटा जो लगा रखे थे उसको हटा देना। अब क्या कर दिया गया था कि हम किसी भी तरीके से कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। नंबर सेकंड की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप, इसमें दो तरीके थे, आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्राइज, दूसरा था विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट की ओनरशिप थी और उसकी मैनेजमेंट थी उसको विथड्रॉ कर दिया गया था, और जो कंपनीज फैक्ट्रीज प्रॉफिट नहीं दे रही थी उनको गवर्नमेंट सेक्टर ने बेच दिया था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ऑनरशिप जो है वो चेंज हो गई थी उसके अंदर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, इक्विटी जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी, जो मैंने बताया कि 40 से 100 की तरफ कर दी गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी इसके अंदर लगाई गई थी, रिडक्शन इन टैरिफ, जो भी टैरिफ हमने ज्यादा कर रखे थे, जो टैक्स हमारे ज्यादा लगते थे वो कम कर दिए गए थे। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो इंडियन रुपीज है वो कई जगह पे क्या गया था, यूजेबल हो गया था, उसका भी थोड़ा यूज होने लग गया था, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी था, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में हम इसको क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। विड्रॉ ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कोटा लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बेसिकली तीन बातें थी, प्रायोरिटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यही तीनों जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए, और इनके कुछ गुड इम्पैक्ट और कुछ बैड इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है गुड इफेक्ट्स। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लगाई या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो हमने लगाई उसके कुछ गुड इफेक्ट थे, कुछ बैड इफेक्ट थे। तो गुड इफेक्ट क्या थे, इकोनॉमी जो है वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई थी, मतलब इसके अंदर चेंजेस आ गए थे। जो इकोनॉमी हमने बैकवर्ड पड़ी थी, जो इकोनॉमी हमने स्टैग्नेंट पड़ी थी, जो इकोनॉमी स्लो डाउन थी, वो कैसी हो गई थी, वाइब्रेंट हो गई थी, उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। अगला स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एक स्टिमुलेट का काम करने लग गए थे, मतलब यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गए थे, और जो फैक्ट्रीज और कंपनीज है वो स्टार्टअप हो गई थी। चेक ऑन फिस्कल डेफिशिएट, बेटा फिस्कल डेफिशिएट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो जाए किससे, रिसीट्स से, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाए और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो जाए, तो फिस्कल डेफिशिएट बहुत ज्यादा हो गए थे हमारे। क्यों, क्योंकि हमने $7 बिलियन का क्या लिया था, उधार भी लिया था, तो उधार जो चीज होती है वो फिस्कल डेफिशिएट का पार्ट है। तो चेक ऑन फिस्कल डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट्स जब वो कम हो गए थे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन एक्टिविटीज होने लगी थी, पैसा आने लगा था, और जहां जहां से हमने उधार लिया था वो हमने देना स्टार्ट कर दिया था। सस्टेनेबल इंक्रीज
इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखिए बेटा, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हटा दिया था। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हटाते के साथ लोगों ने हमसे मतलब जो इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट बढ़े वैसे ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा हो गई। इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में आया था, मंदी का दौर जो आया हुआ था, जिन चीजों को खरीदा नहीं जा रहा था, अब लोग वहां से हमारे इम्पोर्ट करवाते थे दूसरी कंट्रीज, और हमारा सामान दूसरे देशों में जाने लगा था और खुद के मार्केट में भी बिकने लगा था। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का दौर, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी का दौर। तो जो इन्फ्लेशन है, जो चीजें महंगी हो रखी थी वो भी सस्ती हो गई थी, मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई थी, जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो गई थी, कंज्यूमर जो है अब लोग उसी के चॉइसेस के हिसाब से काम करने लगे थे। मतलब कंज्यूमर भी चलना मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया था। हम कह सकते थे कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का राजा बन चुका था, और मोनोपोली मार्केट जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता था, गवर्नमेंट ही चलाती थी, अब वो मार्केट चेंज हो गया था कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। मतलब अब यहाँ पे मोनोपोली नहीं थी, अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ जो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज आ गई थी, उसमें अलग अलग देशों की भी थी, उसमें प्राइवेट एंटरप्राइज की भी थी, गवर्नमेंट की भी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लगाई उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले, और जो $7 बिलियन का उधार हमने लिया था IMF से और वर्ल्ड बैंक से, वो हमने इजिली ही उसे चुका दिया। चलते हैं नेगेटिव या बैड इंपैक्ट की तरफ। अब देखिए बैड इंपैक्ट क्या थे। सबसे पहले नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट ही कर दिया। मतलब हमारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चला गया। अब जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ गया तो हम ये भूल गए कि हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। बहुत सारे लोग डिपेंड किस पे करते हैं, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर तो हमारा प्राइमरी रोल होना चाहिए था, जबकि हमने इसे अवॉइड कर दिया। सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक था वो यही था। इकोनॉमिक की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो स्लो डाउन थी, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आ गई थी, तो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ग्रोथ कम कर रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बढ़ चुकी थी, क्यों? क्योंकि हमारे देश में कंपनीज और कहीं की थी, औरों के मैनेजमेंट थे, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर को कोई ध्यान में नहीं रख रहा था, और हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, इसका मतलब होता है एक साइड ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ ग्रोथ होती रही। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, मतलब अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। और कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कंज्यूमर जो है उसी की सुनी जाने लगी, मतलब जिसके पास पैसा है उसकी चलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास आई, जो हमने इम्प्लीमेंट की 1991 की, उसके बैड इम्पैक्ट भी थे, उसके गुड इम्पैक्ट भी थे। बट यहाँ अगर हम देखें तो हमारे इसके गुड इम्पैक्ट ज्यादा थे, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी सी जो बिल्कुल रुकी पड़ी थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर 4th का वन शॉर्ट रिविजन। अब आगे हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका वन शॉर्ट रिविजन। कुल मिलाकर आपको ये जो 9 चैप्टर्स है मैं 17 से पहले पहले देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।